राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं राधा रानी का ए लाइन शेप में उलन गाउन बनाने वाली हूँ और उसी का मैचिंग हैट बनाऊंगी। तो चलिए उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों कलर से ही मैं राधा रानी की उलन गाउन बनाऊंगी। पहले हमें चेन बना लेना है, इस तरह से जो सिंपल चेन बनता है, इस तरह से हम चेन बना लेंगे। मैं बड़े साइज़ में बना रही हूँ तो मैं टोटल 22 चेन बनाऊँगी। आपको जिस साइज़ का बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप चेन बना लें। इस तरह से मैंने टोटल 22 चेन बना लिया है और इस तरह से ऊन लेकर के दो चेन छोड़ के 1 2 तीसरे चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से ये 3 हो गया, 3 का मैंने फिर 2 किया, फिर इसको 1 कर लेंगे। फिर अगले चेन में हमें इसी तरह से बनाना है, डबल क्रोशिया करना है, 3 का 2, 2 का 1। तो पीछे साइड मैं थोड़ा सा बड़ा रखूँगी तो मैंने पीछे साइड 3 रखा है, देखिए 1 2 3। अब अगले चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया, फिर एक चेन सिंपल, फिर इसी में डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे 2 बार हम चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। और फिर इसी तरह से हम डबल क्रोशिया, सिंपल चेन, डबल क्रोशिया। तो ये इस तरह से पीछे का हो जाएगा और इस तरह से ये बाजू हो जाएगा। फिर आगे जितना हमें रखना है उतना सिंपल डबल क्रोशिया करके इधर से भी हम 3 चेन छोड़ के डबल क्रोशिया, सिंपल चेन, फिर डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हमें ये एक लाइन कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए मैंने एक लाइन कंप्लीट कर लिया है। 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया, सिंपल चेन, डबल क्रोशिया किया है। फिर यहाँ 2 चेन का मैंने सिंपल डबल क्रोशिया करके फिर यहाँ मैंने 1 चेन में डबल किया है। तो और फिर बीच ये मेरा आगे का हो जाएगा। फिर इस तरह से मैंने इधर भी किया है, 3 सेम डबल क्रोशिया करने के बाद 1 चेन में डबल क्रोशिया, सिंपल चेन, डबल क्रोशिया करके फिर यहाँ 2 चेन मैंने किया, फिर यहाँ डबल क्रोशिया 2 बार मैंने किया। तो इसी तरह से हम करते जाएंगे। अब हमें यहाँ तक सिंपल बनाना है। यहाँ तक मैंने सिंपल डबल क्रोशिया किया और यहाँ जो मैंने 2 बार किया था एक सिंपल चेन लेके, इसी में फिर हम उसी वही प्रोसेस करें जो मैंने फर्स्ट लाइन में किया है, डबल क्रोशिया, सिंपल चेन, डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 3 लाइन कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मैंने 3 लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसे इस तरह से उल्टा घुमा के इस दूसरे साइड पलट के यहाँ पे मैंने 3 2 चेन बनाया है सिंपल, और इस तरह से ऊन लेके इस चेन को छोड़ के दूसरे चेन के में हम इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो मेरा इस तरह से बनते आ रहा है ना, उसके एक ऊन में हमें इस तरह से घुसा के डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए अंदर हम ले गए और ऊन को खींच के बाहर लाए, 3 का 2 2 का 1 करते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। इस लाइन में मैं इसे अब अटैच करूँगी। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं और बड़े साइज़ में बनाना है तो आप 3 4 लाइन इस तरह से बढ़ा के फिर अटैच करें। यहाँ मैंने 3 रखा है, अगर छोटी ड्रेस बनाना हो तो यहाँ 2 रखें, यहाँ पे 1 रखें। तो इस तरह से आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए अब हम इसे अटैच करते हैं। इस तरह से मैंने ऊन ले लिया, यहाँ जो 2 चेन हम बना रहे थे उसको और इन दोनों को इस तरह से करके फिर इस तरह से ऊन को लाके हमें डबल क्रोशिया कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से अटैच हो जाएगा। फिर यहाँ तक हम सिंपल लाएंगे, फिर इन दोनों को इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये रेडी हो गया है और अब मैं यहाँ पे अटैच कर लूँगी। इस तरह से ऊन खींच के मैंने लाया और इस तरह से मैंने अटैच कर लिया। अब यहाँ पे 2 की चेन ले करके फिर से अब हमें राउंड शेप में उसी तरह से बनाना है, डबल क्रोशिया सब में बनाना है। तो यहाँ क्या करना है हमें, ये ऊपर वाले ऊन से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाना है पूरे में। तो 1 लाइन 2 लाइन और हर जब भी यहाँ मैं 1 लाइन सिंपल बनाऊँगी फिर नेक्स्ट लाइन में मैं यहीं पे 1 चेन बढ़ाऊँगी, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में फिर 1 चेन बढ़ाऊँगी। तो इस तरह से ये मेरा ए लाइन शेप में आएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा फिर थोड़ा सा बढ़ेगा। तो उस तरह से हमें लाइन बनाते जाना है।
तो इस तरह से देखिए मैंने पूरा लाइन कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ जहाँ मैं ऐड कर दी थी यहीं पे मैंने स्टार्टिंग में एक चेन बढ़ाया है, और जब ये लास्ट हुआ तब एक चेन बढ़ाया है। इस तरह से बढ़ाते गए हैं तो ये देखिए इस तरह से शेप आ जाएगा, तो ये एक की तरह शेप बनते जा रहा है। तो अब मुझे जितना लंबाई रखना था वो पूरा हो गया है। अब मैं लास्ट लाइन बनाऊंगी, तो लास्ट लाइन में हमें घेर ज़्यादा बनाना है, तो हर दो चेन के बाद हम डबल करेंगे। यहाँ देखिए मैंने एक चेन में डबल किया है। अब जो नेक्स्ट लाइन में हम स्टार्ट करेंगे इसमें हर दो के बाद डबल क्रोशिया डबल चेन बनाएंगे, तो इससे यहाँ पे पूरा फ्रिल आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए लास्ट लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने चेन बढ़ाया है तो ये अच्छे से फ्रिल आ गया है। तो अब मैं यहाँ ऊन चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से पेटल्स बनाने वाली हूँ। तो पेटल्स बनाने के लिए देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से हमें एक चेन बना लेना है और यहाँ पे हम ऊन को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ हम इसे गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। तो इस तरह से देखिए मैंने ऊन को अटैच कर लिया है। यहाँ पे हमें सिंपल चेन बनाना है, 4, 5, 6, मैंने 6 लिया, 6, 7 या 5 कितना ले लें। तो इस तरह से हमें सिंपल चेन बना लेना है यहाँ पे। वह जहाँ से मैंने चेन को निकाला था, जहाँ से मैंने चेन बनाना स्टार्ट किया वहाँ पे जाके हमें इस तरह से अटैच कर लेना है। फिर यहाँ पे एक चेन हम ले लेंगे, तो ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, हमें दो चेन यहाँ लेना है। फिर ड्रेस को हम इस तरह से इस साइड घुमा देंगे, और फिर इसके अंदर से अगर हम मैंने अगर 6 चेन लिए तो 6 बार, 5 लिए तो 5 बार, जितने जितना चेन लिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया इसके अंदर से बनाना है। ये देखिए एक बन गया। इस तरह से हमें ऊन लेके इसके अंदर से ऐसे ऊन खींच के लाना है और डबल क्रोशिया करना है। दो बन गया ये, इसी तरह से हमें बनाना है। देखिए इस तरह से ऊन लिया, इसके अंदर से इस तरह से करके 3 का 2 और 2 का 1 हमें करते जाना। तो जितना ये चेन का हम लंबाई रखेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उतना ही बार हमें बनाना है। इसे मैंने 7 रखा था तो यहाँ पे मैंने 7 बार डबल क्रोशिया कर लिया है। अब यहाँ पे हम सिंपल 3 बार चेन इस तरह से बनाएंगे, और सिंपल बनाने के बाद जहाँ पे ये जो जहाँ से मैंने चेन में बनाना स्टार्ट किया है यहाँ पे से अंदर क्रोशिया ला के और ऊन को इसे खींच के लाएंगे और इसको इस साइड पे पूरा कर लेंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे फिर 7 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो मैंने इसमें भी 7 बार बना लिया है डबल क्रोशिया। अब एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में हम इसे अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये इस तरह से पेटल्स की तरह बन जाएगा। फिर हमें यहाँ पे 7 चेन लेना है। ये मैंने 7 बार लिया। फिर हमें यहीं पे लाके जहाँ से चेन बनाना स्टार्ट किया था इस तरह से हम अटैच कर लेंगे, तो फिर इस तरह से तैयार हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 2 की चेन लेंगे और फिर ड्रेस को इधर घुमा लेंगे और फिर यहाँ पे 7 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये मैंने 7 बार यहाँ पे बना लिया है। फिर यहाँ पे हम सिंपल 3 बार बनाएंगे, और जहाँ से बनाना स्टार्ट किए इसमें बाहर की ओर से क्रोशिया निकाल के और ऊन को ला के एक चेन बना देंगे इस तरह से। फिर इस ये 2 हो गया, फिर इसी ऊन को हमें बाहर की ओर लाना है। तो ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 7 की चेन बनाएंगे और यहाँ अटैच कर लेंगे। तो पूरी लाइन में मैंने पेटल्स बना लिया है। तो इस तरह से ये गाउन रेडी हो गया है। अब मैं इसके ऊपर हेड बनाऊंगी। तो हेड बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से ऊन को लेके और इस तरह से हमें इस तरह से बनाना है और फिर इसी के अंदर से हमें डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से देखिए बना के और इसी के अंदर से हम
डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए एक चेन बन जाएगा इस तरह से, और फिर इसी के अंदर से हम ऐसे चेन बनाते जाएंगे, इसके अंदर से ऊन खींच लाएंगे और इस तरह से चेन बनाते जाएंगे। तो इस तरह से मेरा ये चेन यहाँ पे बनते जाएगा, फिर इससे हम खींचते जाएंगे। तो इसी के अंदर से मैं टोटल 15 चेन बना रही हूँ। मेरा जो भी हेड का साइज़ मुझे रखना है, तो मैं ड्रेस बड़ा बना रही हूँ तो इसलिए हेड भी बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना चेन घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 15 चेन बना लिया है, और इधर से ऊन को हम खींच लेंगे तो इस तरह से आपस में पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ जो है ऊन का जो नीचे साइड वाला ऊन है उसमें हम इस तरह से एक चेन बना लेंगे, और सब नीचे साइड वाले ऊन में हमें इस तरह से बनाते जाना है। अब पूरा एक लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे बनाते हुए आ जाएंगे। तो ये जो है दो दो ऊन है, एक तो हमें नीचे साइड वाले में बनाना है, ऊपर साइड में नहीं बनाना है। तो इस तरह से मैंने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है, और फिर जहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट किया था यहाँ पे हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ इसके बाद अब मैं डबल क्रोशिया करूँगी दो की चेन लेके। दो चेन मैंने बनाया, और फिर वही हमें नीचे साइड वाले ऊन में डबल क्रोशिया करना है। फिर से हम पूरा डबल क्रोशिया करते हुए यहीं पे आ जाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से मैं यहाँ पे अटैच कर लूँगी, और फिर से दो की चेन लेके एक लाइन हम और बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से है, तो एक लाइन और हमें बनाना है। मैंने दो लाइन कंप्लीट करने के बाद ग्रीन कलर का ऊन ऐड कर लिया है। अब मैं इससे पैटर्न्स बनाऊंगी जैसा मैंने ड्रेस में बनाया है। अब दो की चेन लेके हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे इस तरह से। इसमें मैं 4 चेन ले रही हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा पैटर्न्स छोटा रखना है, हैट है। तो फिर इससे हम इस तरह से पलट के, और यहाँ पे जहाँ पे मैंने अटैच किया था यहाँ से हमें इस तरह से बनाना है। अब फिर दो की चेन लेना है, फिर दे इस तरह से हम घुमा देंगे और ये इस तरह से बन जाएगा। इसके अंदर से हमने 4 चेन मैंने लिया है, तो 4 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 4 डबल क्रोशिया करने के बाद मैं 3 बार सिंबल चेन बनाऊंगी। फिर उसी तरह से जैसा मैंने गाउन में बनाया था उसी तरह से हमें हैट में भी डिज़ाइन देना, इस तरह से करनी। फिर यहाँ 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ 4 चेन बनाने के बाद, 4 डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन छोड़ के यहाँ दूसरे में हम अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे हम 2 सिंपल चेन लेंगे, और फिर से हम यहाँ हम दो चेन एक चेन छोड़ के दूसरे में इस तरह से तैयार कर लें। फिर यहाँ हम 4 की चेन बनाए थे तो 4 की चेन लेंगे। फिर इधर इस तरह से हम पलट देंगे, और यहाँ पे हम सिंपल एक बार इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ 2 की चेन लेंगे, और ये जो है जो मैंने इधर से बनाया था ये इसमें हमें एक बार इस तरह से बनाना है। फिर इस तरह से हम घुमा लेंगे, फिर हम चेन एक ऊन लेके इसमें से इस तरह से रेडी हो जाएगा। इसमें से हमें 4 बार बना के फिर इसी तरह से रेडी करना है। तो इस तरह से देखिए मेरा हैट रेडी हो गया है। उसी प्रोसेस से मैंने पूरा पेटल्स बनाया है, तो टोटल 5 पेटल्स बने हैं। तो इस तरह से मेरा ये हैट रेडी हो गया है। तो इस तरह से देखिए राधा रानी का गाउन रेडी हो गया है, ये ऊपर का हैट हो गया। इसी का मैचिंग मैंने कान्हा जी का भी बनाया है, ये ऊपर का ये हैट हो गया जो सेम इसी तरह से बना है, और ये ऊपर का ये कुर्ता भी मैंने इसी पैटर्न पे बनाया है, बस लंबाई मैंने छोटा रखा है। और ये नीचे का धोती है, धोती को भी मैंने एकदम उसी प्रोसेस से बनाया है जैसा मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से मेरा दोनों राधा जी और कान्हा जी दोनों को का ड्रेस रेडी हो गया है। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्रिएशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।